गया शहर के धर्मसभा भवन में बुद्धा कैंसर सेंटर द्वारा एक दिवसीय कैंसर रोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई। कैंसर रोग प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बुद्धा कैंसर सेंटर के निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार एवं केंद्रीय प्रवक्ता आयुष मेडिकल एसोसिएशन जितेंद्र नाथ मौर्य ने किया और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनील कुमार ने की। निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि अधिकतर कैंसर से पीड़ित मरीजों को प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्तर पर ठीक किया जा सकता है। भारत में ज्यादातर कैंसर तृतीय एवं चौथे स्टेज में पता चलता है और अधिकतर तंबाकू एवं गुटखे से कैंसर होती है। उन्होंने कहा कि बिहार में डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन मरीजों को खुद नजरअंदाज करने से ये बीमारी घातक रूप ले लेता है। लोगों को कैंसर के प्रति सचेत रहकर बीमारी से बचने के लिए जीवन शैली एवं स्वच्छ आहार एवं उचित शारीरिक व्यायाम करके बच सकते हैं। आज हम यहाँ पे गया मगध जो है बौद्ध की धरती, यहाँ पे ग्रामीण चिकित्सकों का एक दिन का कैंसर का बेसिक ट्रेनिंग के लिए बुद्धा कैंसर सेंटर का सारा टीम हम लोग एकत्रित हुए हैं ग्रामीण चिकित्सकों के साथ। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार बुद्धा कैंसर सेंटर का निदेशक आज अपने सारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को कैंसर एक जो कि एक जानलेवा बीमारी कहा इसलिए जाता है क्योंकि हमारे यहाँ एडवांस स्टेज में आते हैं और आज भी भारत गांवों का देश है, इसलिए हम बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैंसर को शुरुआती दौर में कैसे हम पहचाने, कैसे पकड़े, ताकि हमारा बिहार में भी कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं हो। क्योंकि कैंसर का मरीज वो खुद नहीं बोलता है कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, डॉक्टर उसको पहचानते हैं, ग्रामीण चिकित्सक पहचानते हैं अगर गांव का मरीज है, ताकि उनको हम शुरुआती दौर में पकड़ पाए। इसीलिए बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग था ग्रामीण चिकित्सकों को बुद्धा कैंसर सेंटर की तरफ से और जिसका हमने सर्टिफिकेशन भी किया है, ताकि हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई भी ये कैंसर जैसे जटिल बीमारी को शुरुआती दौर में पकड़ पाए। और ये हमारा एक ट्रेनिंग का सिलसिला है जो कि हम बिहार के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जिलों के हेडक्वार्टर में ग्रामीण चिकित्सकों को एकत्रित करके आज उसी सिलसिले के कड़ी में इस बौद्ध की धरती पे हम लोग सारा टीम एकत्रित हुआ है ताकि हम कैंसर के ऊपर इनको बेसिक ट्रेनिंग दे सके। कहाँ कहाँ के लोग इसमें सम्मिलित हुए? इसमें मगध क्षेत्र के ग्रामीण चिकित्सक हैं, इसके अलावा आपको झारखंड से भी हैं, डाल्टनगंज से भी हैं, तो आसपास के करीब काफ़ी जिलों से लोग हैं, केवल गया के नहीं है, गया से आसपास के भी काफ़ी लोग हैं, जिसमें कुछ लोग तो यहाँ तक कि डेहरी ऑनसून के भी हैं और इधर नवादा से भी हैं काफ़ी लोग। आज कैंसर का एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, ये बुद्धा कैंसर सेंटर के माध्यम से है, उनका एक लक्ष्य है। बुद्धा कैंसर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार डीएम ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनका एक लक्ष्य है कि कैंसर का जो रोगी है फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाए, क्योंकि हमारे बिहार में डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन मरीज खुद ऐसा करता है कि थोड़ी सी बीमारी होती है तो उसको नज़रअंदाज कर देता है। नज़रअंदाज करने का नतीजा ये होता है कि वो बीमारी बढ़ते बढ़ते सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में पता चलता है, जो कि लाइलाज हो जाता है, हम लोग उसको बचा नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे डायरेक्टर सर, बुद्धा कैंसर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार का एक लक्ष्य है कि हम वैसे वर्कर्स तैयार करें जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, सरकार भी उनको ट्रेनिंग दी है, लेकिन सरकार के द्वारा वो उपेक्षा के शिकार हैं, सरकार उनका कोई महत्व नहीं दे रहा। लेकिन समाज के सबसे निचली पीढ़ी जो है गांव के लोग, उनका देखरेख, स्वास्थ्य का देखरेख वही ग्रामीण चिकित्सक करते हैं। सारे ग्रामीण चिकित्सक को इकट्ठा करके एक अभियान के तहत सभी को कैंसर के बारे में जानकारी दे करके, प्रशिक्षण दे करके इतना जागरूक करने का लक्ष्य बनाया है कि हर एक व्यक्ति, किसी को भी कैंसर का हल्का सा भी लक्षण दिखे तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक इतना ट्रेंड हो गए हैं, इतना दक्षता हासिल कर लिए हैं कि उसको कैंसर का स्क्रीनिंग करके, पहचान करके, वो बड़े संस्थान में चाहे जहाँ जहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, वहाँ उसको रेफर करेंगे, वहाँ भेजेंगे, ताकि बिहार में फर्स्ट स्टेज में ही कैंसर का पकड़ हो जाए और वो बीमारी ठीक हो जाए। ग्रामीण चिकित्सकों के साथ में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। समस्याएं ये हैं कि उनकी कोई उपाधि नहीं दी गई है और ना ही उनका कोई महत्व होता है, क्योंकि अदर जगह जो भी रिपोर्ट लेके जाते उसकी महत्व नहीं मिलती है। जी, ऐसी बात, ये आपके कहना सही है, ग्रामीण चिकित्सकों का महत्व नहीं है, लेकिन आप एक
गौर कीजिएगा, अभी कोरोना काल चल रहा था कुछ दिन पहले, अभी लॉकडाउन खत्म हो गया, आपने पूरे बिहार का सर्वे किए होंगे या को आपने टाउन में अपने शहर में देखे होंगे कितने MBBS डॉक्टर खुले हुए थे, एक भी MBBS डॉक्टर खुले हुए नहीं थे, सारे बंद कर दिए थे। लेकिन उस समय में ग्रामीण चिकित्सक को ही हमारे गांव का भगवान माने जा रहे थे और कोरोना काल में भी दिल खोल करके अपनी जान का परवाह किए बगैर सबका सेवा किए हैं। तो सरकार इनको डॉक्टर की उपाधि नहीं दी है, लेकिन आप उस गांव में जाके देखिए, उस गांव का भगवान, उस गांव का डॉक्टर वही ग्रामीण चिकित्सक माने जाएंगे जो कि उनको गांव वाले ही ने उनको डॉक्टर की उपाधि दी है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुनील कुमार, हम चिकित्सा सेवा संरक्षण के पटना प्रमंडल सचिव हैं और बुद्धा कैंसर सेंटर से जुड़ करके कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम में डॉक्टर अरविंद कुमार का हाथ बटा रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं, उनका एडवाइजरी का भी वर्क करते हैं।